मैं जितना बड़ा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा था आई डिडंट गेट बैक फ्रॉम यू. कितनी बड़ी बात है. अच्छा मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, सच्चाई की बुनियाद पे जरा हाथ खड़ा करना, जिस जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, हाथ खड़ा करो. वाह क्या बात है. कुर्बान जाऊं शिकागो के रहने वाले गयूर मुसलमानों, हुजूर के फिदाइयों, कुर्बान जाऊं तुम पर. नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद. कितनी अजीम बात है जो मैं कहने लगा हूं कि आज आज मैं जितने लोगों को मुखातब करने लगा हूं अपनी इस बात के लिए, इनमें एक भी जहन्नमी नहीं बैठा हुआ, एक शख्स भी जहन्नमी नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है अल्लाह ने मोहब्बत का नूर बाद में डाला है, जिस्म को जहन्नम पर पहले हराम किया. तो गया हुजूर से मोहब्बत करने वाला जहन्नमी नहीं हो सकता. तो हमारा ईमान है, बोलो बोलो हमारा हमारा ईमान. लिहाजा जुमा का गुफ्तगू का मुकर्रर करदा वक्त अपने तमाम को पहुंचता है और मैं आपको गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन हसनी और हुसैनी शहजादे, उनके कादरी सिलसिले के दुर्वेश और मजाज के तौर पर आपको ये बात कहता हूं, अपनी जिंदगी में हुजूर के अदब व इश्क को अफरज मिन अल फराइज के तौर पर शामिल कर. नमाज की रूह भी यही है, रोजे की रूह भी यही है, हज की रूह भी यही है, जिहाद की रूह भी यही है, तबलीग की रूह भी यही है, निजात की बुनियाद भी यही है, मारिफत इलाही का रास्ता भी यही है, इज्जत की वजह भी यही है और दीन और ईमान की सलामती की जमानत भी यही है. परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ है मौला करीम मुझे भी और आपको भी इसकी वाफर तौफीक अता फरमाए, आप सबके रिस्क में उम्र में ईमान में औलाद में बरकतें अता फरमाए, आपको यहाँ भी और जहाँ भी हैं अल्लाह आपको अपनी पनाहों में रखे और आपकी जिंदगी में हुजूर के जलवे रख दे, हुजूर की कुर्बतें रख दे, आपकी नस्लों को पाक कर दे, जिक्र करने वाला बना दे, शुक्र करने वाला बना दे, आपके रिस्क में कमी ना आए, आपकी इज्जत में कमी ना आए, आपको कभी कांटे की चुभन ना हो और कभी कुरान और सुन्नत की मोहब्बत और खुशबू आपकी ज़िंदगी से दूर ना हो और आपकी पेशानियाँ कभी सजदों से महरूम ना हो और जो मस्जिदें आप बना दें ता सुबह क़यामत वो गैर आबाद ना हो. अल्लाह की तौहीद और हुजूर की ख़त्म नबूवत की अजानें बुलंद होती रहें, सब सलामत रहें, बाकरामत रहें, ता क़यामत रहें. मैं आप सब अहबाब के लिए दुआ करते हुए अपने हक में भी दुआ करता हूँ, परवरदिगार मुझे खैर हिदायत और नस्बत क़वीमा पर इस्तेक़ामत अता फरमाए. वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कल व इलैहि अनीब.